हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेथड्स से रिलेटेड। ये टॉपिक आपके लिए फिजिकल एजुकेशन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कितना आपका स्कोर हुआ और किस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बीपीएससी टीजीटी 2023 के एग्जाम के लिए स्पेशल ऐप बनाया जा रहा है, बट ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। इसलिए ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अभ्यर्थी प्रतिदिन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। एंड यदि आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी टॉपिक की एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, समय नष्ट न करते हुए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप गलतियाँ ढूंढ पाएंगे और उसको सुधार पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड प्ले। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड प्ले बोला जाता है फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड को। स्पीड प्ले किसे बोला जाता है? फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड को। फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ स्पीड प्ले होता है। इसमें बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद और तीव्र गति से अब बिना पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है। यह सहनशीलता को डेवलप करता है। जैसे कि दोस्तों, सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां हैं। एंड्योरेंस को डेवलप करने की कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरनल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। जिसमें से कॉन्टिन्यूस मेथड भी चार प्रकार का होता है, स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, फॉर्टलेक मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड। फॉर्टलेक मेथड में बिना पूर्व नियोजित तरीके से अभ्यास किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिना पूर्व नियोजित ढंग से अभ्यास किसमें कराया जाता है, तो वो फॉर्टलेक मेथड होता है। और इसमें जो है, इसकी खोज किया था 1937 में गोस्टा होमलर ने, ये भी याद रखिएगा। और ये सहनशीलता को डेवलप करता है, यानी एंड्योरेंस को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑफर यूओ फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? तो अमेरिकन एलियंस हेल्थ फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसका फुल फॉर्म है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। इसको 1958 में बनाया था और इसमें जो है 6 टेस्ट आइटम्स रखे गए थे, पुल ऑफ, सिट ऑफ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन, 50 यार्ड रेस, 600 यार्ड रेस। तो यहाँ पे आपका पुल ऑफ भी है एंड सिट ऑफ भी है एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी है, बट जर्मन ड्रिल आपका ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को जाना जाता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज नोन एज। तो यहाँ पे आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। जैसा कि प्रशिक्षण का स्थानांतरण मतलब पहले के सीखे हुए स्किल को नए कार्य करने में जो सहयोग प्रदान करता है, उसी को कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण। बट यहाँ पे प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण होता है, तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य स्थानांतरण, यानी सकारात्मक, नकारात्मक एंड शून्य स्थानांतरण। जब पहले का सीखा हुआ स्किल दूसरे नए कार्य में सीखने में सहायता करता है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। जब पहले का सीखा हुआ स्किल नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। अब जब पहले का सीखा हुआ स्किल नए कार्य सीखने में न तो बाधा उत्पन्न करे और न सहायता करे, वो शून्य स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण की बात कर रहा है। तो हस्तक्षेप यहाँ देख सकते हैं,
आदत हस्तक्षेप के रूप में जब सीखने में नए कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होगा, तो एज हैबिट इंटरफ्रेंस यानी कि आपको हस्तक्षेप कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये आपका नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न कारकों के विकास के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको अरेंज करना है सीक्वेंस बाय, तो यहाँ पे दिया हुआ है तकनीकी पक्ष विकास, मानसिक ट्रेनिंग, यौक्तिक ट्रेनिंग, शारीरिक स्वास्थ्य विकास, प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल स्वरूप यानी कि टेक्निकल साइड डेवलपमेंट, मेंटल ट्रेनिंग, लॉजिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट, मॉडल फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज। तो इसको हम सीक्वेंस बाय कैसे करेंगे, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं और किसी कंपटीशन में भाग लेना है आपको ट्रेनिंग के बाद, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसके फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य को देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करेंगे, क्योंकि फिजिकली से वो वीक रहेगा तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, सक्षम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्यता को चुनेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्यता को चुनेंगे, किसको चुनेंगे, शारीरिक स्वास्थ्यता को, यानी कि फिजिकल फिटनेस को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम तकनीकी विकास करेंगे, यानी कि टेक्निकल साइड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, तकनीकी विकास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल स्वरूप को चुनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यौक्तिक जो खेल के समय उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो बुद्धि दिमाग लगाया जाता है उसको यौक्तिक पक्ष कहते हैं। तो यौक्तिक यानी हम तुरंत स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। लॉजिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट को हम डेवलप करेंगे। लास्ट में हम मेंटल प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण की हम कंपटीशन को करते समय, प्रशिक्षण को करते समय जो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है वो न हो, तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कारक सहन शक्ति क्षमता का निर्धारक नहीं माना जाता वह है। द फैक्टर विच इज नॉट कंसिडरेड ए डिटरमाइन ऑफ एंड्योरेंस कैपेसिटी इज। तो यहाँ पे एरोबिक क्षमता यानी एरोबिक कैपेसिटी, तो यह लंबे समय की क्रियाओं में ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, जहाँ पे एंड्योरेंस डेवलप होता है, तो आपका एरोबिक क्षमता सहन शक्ति क्षमता का निर्धारण करता है। यहाँ पे देखना है कौन नहीं है, फास्फोजन स्टोर यह भी करता है, एंड तकनीकी पूर्णता यह भी करता है, बट यौक्तिक गतिविधि सहन शक्ति का निर्धारण नहीं है। यह तो एक स्ट्रेटजी एक्टिविटी होता है, युक्ति मतलब एक स्ट्रेटजी होता है खेल के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान। तो यहाँ पे एंड्योरेंस एक गतिविधि को लंबी अवधि के लिए बनाए रखने की क्षमता है। क्या है एंड्योरेंस, सहनशीलता क्या होती है, लंबी अवधि के लिए बनाए रखने की क्षमता है, आमतौर पर एरोबिक क्षमता, फास्फोजन स्टोर, तकनीकी पूर्णता को संदर्भित करता है। स्थानीय मांसपेशी सहन शक्ति को मांसपेशी की थकान का विरोध करने की क्षमता के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है। और यौक्तिक गतिविधि क्या होता है, टैक्टिकल एबिलिटी, इसको क्या कहा जाता है, टैक्टिकल एबिलिटी, किसी यानी कि किसी कार्य या योजना या खेल से पूर्व रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य किसी विशेष स्थिति में किसी को वह हासिल करने में मदद करता है। स्ट्रेटजी मतलब पहले की रणनीति तैयार करना, तो समझ सकते हैं ये आपके एंड्योरेंस क्षमता के अंतर्गत नहीं आता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पैसिव रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता कौन नहीं है, तो त्रिदोष प्रतिरोधक क्षमता निष्क्रिय नहीं है और सभी
सामान्य प्रतिरोधक क्षमता, विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता एंड पशु एंटीटॉक्सिन एंटीसेरा, ये आपका निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न करने के बजाय किसी बीमारी के प्रति एंटीबॉडी दी जाती है। एक नवजात शिशु अपनी माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक नवजात शिशु अपनी माँ से किसके माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से। इसमें सामान्य प्रतिरोधक क्षमता, विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता, पशु एंटीटॉक्सिन एंटीसेरा शामिल है, त्रिदोष प्रतिरोधक क्षमता शामिल नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कौशल प्रदर्शन को सुख बनाने के लिए किस प्रकार की फीडबैक अधिक कारगर होती है, तो इसका राइट आंसर है सुधारात्मक फीडबैक, यानी कि करेक्टिव फीडबैक, यानी कौशल प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक फीडबैक अधिक कारगर होता है। सुधारात्मक प्रतिक्रिया सीखने और उपलब्धियों के क्षेत्र में एक लगातार अभ्यास है। इसमें आमतौर पर एक शिक्षार्थी शामिल होता है जो शिक्षक, नियोक्ता या सहकर्मी जैसे एजेंटा द्वारा विभिन्न कार्यों पर अपनी समझ या प्रदर्शन पर औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं, तथा क्षमता बढ़ोतरी निम्न में से किसके कारण होती है, तो वो होती है आपकी तंत्रिका संबंधी कारक, तंत्रिका संबंधी कारक के कारण होती है। तंत्रिका संबंधी कारक एक प्रोटीन जो भ्रूण में नाटोकार्ड उत्तक के निर्माण को प्रेरित करता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां क्या करती हैं, मसल्स एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां जो होती हैं आइसोमेट्रिक, यानी कि आइसोमेट्रिक, आइस मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई। सेम लंबाई का मतलब ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, तभी तो सेम लंबाई रहेगी, और तनाव बना रहता है प्रॉपर, तो जिसमें मांसपेशियां में तनाव बना रहता है और न लंबी होती है न तो छोटी होती है, न सिकुड़ती है न लंबी होती है, उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें न सिकुड़ती है न लंबी होती है। रजनाथ सिंह और नॉर एलो गेंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। द ट्रेनिंग मेथड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, तो शक्ति को बढ़ाने की इसमें जो दिया गया है वो है प्लायोमेट्रिक विधि। क्या है? प्लायोमेट्रिक मेथड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था, तो फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि को किसने विकसित किया था दोस्तों, तो इसको गोस्टा होमलर ने बनाया था 1937 में। कब बनाया था? गोस्टा होमलर ने बनाया था 1937 में। यह एरोबिक अनएरोबिक दोनों क्षमताओं को डेवलप करता है और इसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, एक स्वीडिश शब्द है जो सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट है, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है। पुशिंग द बॉल वॉल इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो दीवार को धक्का देना, तो दीवार को जब आप धक्का दे रहे हैं तो तनाव मांसपेशियों में बना हुआ है, न मांसपेशियों की लंबाई बढ़ रही है और न घट रही है, यहाँ पे कौन सा कंट्रक्शन होगा, तो वो होगा आपका आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। बट यहाँ पे आइसोमेट्रिक तो दिया नहीं है, तो दोस्तों शक्ति को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए तीन विधियाँ हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक को स्टैटिक मेथड भी कहते हैं एंड डायनामिक में आपका आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैटिक आपका राइट होगा। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, न लंबाई बढ़ती है न घटती है। एंड नेक्स्ट है,
लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? By whom was the continuous training method propounded? तो लगातार प्रशिक्षण विधि continuous training method को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था अर्नेस्ट वी आकर ने। किसने विकसित किया था? अर्नेस्ट वी आकर ने। दोस्तों जो आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है अर्नेस्ट वी आकर ने 1920 में बनाया था, एंड फॉर्टलेट ट्रेनिंग मेथड को 1937 में गोस्टा होमलर ने बनाया था, एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को रेंडले व गर्चुलर विकिला ने 1920 में बनाया था, एंड सर्किट ट्रेनिंग को 1957 में एडमसन मॉर्गन ने बनाया था। ये सभी की सभी आपको सहनशीलता को डेवलप करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति कितने नीचे आती है? द बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर इंक्रीजिंग स्पीड टॉलरेंस थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेनिंग मेथड इज व्हेन द पल्स रेट ड्रॉप्स। यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण विधि नहीं है, यहाँ पे अंतराल है, ठीक है, यहाँ पे अंतराल है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतराल यानी कि अंतराल ट्रेनिंग मेथड यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यहाँ इंटरनेशनल ट्रेनिंग मेथड नहीं है। अंतराल प्रशिक्षण विधि गति सहनशीलता बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? अंतराल प्रशिक्षण विधि गति सहनशीलता को बढ़ाती है। अंतराल प्रशिक्षण विधि गति सहनशीलता को बढ़ाती है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, अंतराल प्रशिक्षण विधि को रेस्ट एंड केफोल्ड यानी कि आराम तथा प्रयास मेथड भी कहा जाता है, और इसको टेरेस प्रशिक्षण भी बोला जाता है। इसकी खोज 1920 में रेंडले व गर्चलर विकिला ने किया था, जो गति सहनशीलता व गति सहनशीलता को डेवलप करती है यानी स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें अभ्यास की तीव्रता को कम किया जाता है, दो अभ्यासों के मध्य क्षतिपूर्ति रिकवरी अनकम्प्लीट रखा जाता है, अधूरी रखा जाता है। कैसे? जब कोई अभ्यास किया जाता है तो पूरी स्पीड के साथ करेंगे, हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाएगा, तो 180 तक पहुंचते ही हम अभ्यास को रोक देते हैं, और अभ्यास को रोकने के बाद पूरा रिकवरी नहीं लेते हैं, अनकम्प्लीट रिकवरी होता है। जैसे ही हमारा हार्ट रेट 120-30 के बीच पहुंचता है, पुनः हम अभ्यास शुरू कर देते हैं, यानी हृदय गति 180 प्रति मिनट पहुंच जाती है, और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120-130 पर पहुँचती है, तो 120-30 पर पहुंचते ही अभ्यास पुनः शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 120-140 धड़कन प्रति मिनट, ठीक है, 120-140 धड़कन प्रति मिनट आपका नीचे आती है रिकवरी के समय, पुनः प्राप्ति के समय, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किसके विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक है, किस विकास के लिए होगा, की विकास हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं है, किसके विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज फॉर डेवलपमेंट, किसको डेवलप करने के लिए अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का, तो हम आपको बता चुके हैं, इसकी खोज 1920 में विकिला ने किया था, गर्चलर विकिला ने, स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। हाँ, स्पीड एंड्योरेंस तो दिया नहीं है, एंड्योरेंस होगा ही क्योंकि एंड्योरेंस डेवलप करता है, एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए विधियां हैं कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति को डेवलप करता है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? द वर्क डन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट कंसिडर्ड डेड वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस, तो साइंटिफिक बेस पर वर्क नहीं माना जाता है, तो किसमें?
जिसमें न मांसपेशियां सिकुड़ती है न फैलती है, कार्य होता हुआ दिखाई ही नहीं देता है, तो हम उसको कार्य कैसे मान सकते हैं? वो होता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्या होता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम। नेक्स्ट है दोस्तों सार्जेंट जंप, जिसे वर्टिकल जंप भी कहा जाता है। क्या आंकता है, यानी कि क्या मेजर करता है? तो सार्जेंट जंप जो है, हम उछल करके ऊपर दीवार पे अपना देखते हैं कि कितना ऊपर तक हम उछाल सकते हैं, तो यहाँ पे पैरों की विस्फोटक शक्ति को मेजर करता है। किसको? पैरों की विस्फोटक शक्ति को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिश ग्रिप संबंधित है। फिनिश ग्रिप इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों फिनिश ग्रिप जो है जेवलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेवलिन से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। जेवलिन का जो वजन होता है पुरुषों के लिए 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम, और जेवलिन थ्रो में जो रनवे होता है 36 मीटर होता है, और दो समांतर रेखाएं 4 मीटर पर होती हैं। भाले की लंबाई जो होती है 260 सेंटीमीटर से 270 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और भाले की लंबाई महिलाओं के लिए 220 सेंटीमीटर से 230 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी हु प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो दोस्तों ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, आप सबको पता है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, एंड इन्होंने सीखने के सिद्धांत भी दिया है, मुख्य सिद्धांत और गौण सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत एंड प्रभाव का सिद्धांत, इन्होंने तीन नियम दिया है जो खेल मनोविज्ञान में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हायर लेवल इज नोन एज, तो उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को जाना जाता है एक्लिमेटाइजेशन। किसके रूप में जाना जाता है? एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है, कि ऊंचे स्थलों पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे ऊंचे स्थलों पर ट्रेनिंग या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को जलवायु अनुकूलन करना पड़ता है। जलवायु अनुकूलन को ही कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम होता है, तो आपको तो एक्लिमेटाइजेशन अनुकूलन की एडॉप्टेशन की आवश्यकता होती है। यह समय अवधि सभी खिलाड़ियों या व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं हो सकता। इसे ऊंचाई पर ट्रेनिंग के पश्चात समुद्र तल पर शारीरिक क्रियाओं को करने में जलवायु अनुकूलन का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको पीरियडाइजेशन वाले वीडियो में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो पीरियडाइजेशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। इसमें तीन फेजेज होते हैं पीरियडाइजेशन में, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड में वह समय होता है जहां एथलीट को प्रिपरेशन का मुख्य पार्ट होता है, ये तीन भागों में होता है कम से कम 6-7 महीने का। जो कंपटीशन पीरियड होता है वह समय जब कंपटीशन मेन कंपटीशन होता है तो वहां पे 3-4 महीने का होता है। एंड फिर आता है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड वह समय होता है जहां एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके। यानी कि जो आपका रिकवरी ट्रांजिशन पीरियड होता है इसको एक्टिव रिकवरी फेज भी कहा जाता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य स्थिति में आते हैं, पहले प्रिपरेशन किए, फिर कंपटीशन किए, फिर ट्रांजिशन अवधि में हम रिकवरी करते हैं, यानी कि फिर थोड़ा आराम करते हैं, सामान्य स्थिति में आते हैं कि हम फिर नए तरीके से शुरू कर सके। या फिर रिकवरी आपका सामान्य स्थिति में आना आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षक का सिद्धांत नहीं है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अतिभार का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, निजता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड विशिष्टता का सिद्धांत ये खेल प्रशिक्षक का सिद्धांत है, बट रुकने और चलने का सिद्धांत नहीं है, रुकने और चलने का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों हम बता दें आपको खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत में आपके
वार्मिंग अप का सिद्धांत, लगातारता यानी कंटिन्यूटली का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, परिणाम और पुनः प्राप्ति का सिद्धांत एंड योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत, स्पर्शता का सिद्धांत, ये सभी आपके खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत हैं, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यायाम एरोबिक व्यायाम नहीं है? विच आर द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट एरोबिक व्यायाम? दोस्तों यहाँ पे हम एरोबिक व्यायाम कहते किसे है जो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है और लंबे समय की क्रियाएं होती है जिसमें एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्रॉस कंट्री दौड़ लंबे समय की क्रिया है, एरोबिक व्यायाम है, साइकिलिंग भी है, तैराकी भी है, बट शक्ति तोलन नहीं है, पावर वेटिंग नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो हमारे ट्रेनिंग साइकिल होती है तीन होती है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। जो मैक्रो चक्र होती है उसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है जो 3 से 12 महीने यानी 1 साल का होता है। एंड इसे स्पोर्ट्समैन की बेसिक कंपोनेंट यानी छोटी छोटी चीजों को डेवलप किया जाता है। एंड दूसरा चक्र होता है मीजो चक्र, जिसे 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह या 30 से 45 दिन का होता है। इसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवसन चक्र या मध्यम चक्र भी कहा जाता है। इसमें टू टेकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी किसी विशेष प्रशिक्षण कार्य को टैकल करने की योग्यता डेवलप किया जाता है। तीसरा चक्र होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र होता है। माइक्रो चक्र को साप्ताहिक चक्र या सूक्ष्म अवधि चक्र भी बोला जाता है। यह 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। यह संपूर्ण योजना प्रणाली के लिए आधार का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो यह मीजो चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मीजो चक्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, आंतरिक भार की जांच की जाती है, इंटरनल भार यानी कि लोड जो होती है वो किसके द्वारा चेक की जाती है? तो इंटरनल, जैसे कि आप 10 किलो वजन उठाए, उसका असर जो है हमारे आंतरिक अंगों पर क्या पड़ा? हार्ट रेट बढ़ा, हमारी तीव्रता बढ़ा। तो आंतरिक भार में हम क्या देखते हैं? तो आंतरिक भार में हम पल्स रेट और भार तीव्रता के द्वारा हम आंतरिक भार की जांच करते हैं। पल्स रेट एंड भार तीव्रता के द्वारा हम क्या करते हैं? आंतरिक भार की जांच करते हैं। जो हमारा प्रशिक्षण ट्रेनिंग भार होता है दोस्तों, ट्रेनिंग भार जो होता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लोड, वह बिना ट्रेनिंग लोड के कोई भी खिलाड़ी प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता। यानी कि ट्रेनिंग लोड वह होता है जो आप नॉर्मल कैपेसिटी में ट्रेनिंग करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लोड देना बहुत आवश्यक होता है। ट्रेनिंग लोड 2 प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी वह जिसमें किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को वह भार कहते हैं। जैसे कि 20 किलोमीटर दौड़ना या 20 kg वजन उठाना। इंटरनल लोड क्या करता है? जो वह लोड का असर हमारे आंतरिक अंगों पर पड़ता है, जैसे कि हमारे हृदय, फेफड़े एंड ब्लड सर्कुलेशन पर, वो आंतरिक लोड होता है। यानी मानव शरीर में साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज जो आते हैं उसे आंतरिक भार कहते हैं। आंतरिक भार वाह्य भार का ही परिणाम होता है, याद रखिएगा, जिसके कारण खिलाड़ी के आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि खिलाड़ी की हृदय गति, श्वसन दर, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। एंड व्यायाम के समय जो श्वसन दर होती है वो 40 बीट प्रति मिनट हो जाती है, जो हार्ट रेट होती है 180 बीट प्रति मिनट हो जाती है। तो ये हमारा आंतरिक भार की जांच की जाती है इसके द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के विशिष्टीकरण के संदर्भ में लंबी कूद के एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ए लॉन्ग जंपर डू इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन? तो एक लंबी कूद का जो प्रशिक्षण ले रहा है उसके उसे क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में उसको प्लायोमेट्रिक्स का
अभ्यास करना चाहिए। प्लायोमेट्रिक्स में क्या होता है, लाइन से आपके एक कम से कम बेंच होता है, उस बेंच की लंबाई जो लेंथ होती है अक्सर 120 सेंटीमीटर तक होती है, तो लाइन से होता है उससे उछल करके नीचे आना होता है, फिर ऊपर जाना होता है, नीचे जाना होता है, तो इस प्रकार आपके पैरों की मसल्स की डेवलप होगी एंड आपकी जो लंबी कूद की जो छलांग मारने की जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका जितने भी जंपिंग है, उछलना, बाउंसिंग, हॉपिंग व्यायामों के प्रयोग से एथलेटिक अपना प्रदर्शन बढ़ा सकते हैं। लंबी कूद के खिलाड़ी को प्रशिक्षण के विशिष्टीकरण के संदर्भ में उसको प्लायोमेट्रिक्स करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और प्रदर्शन संबंधी लक्षण के निर्धारण में निम्न में से कौन से दो महत्वपूर्ण हैं? Which two of the following are important in determining training and performance related to characteristics? तो दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण और प्रदर्शन संबंधी लक्ष्यों के निर्धारण में आपको प्रशिक्षण करना है, प्रदर्शन करना है, उस कंडीशन में आप कैसा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, इसमें से कौन से दो आपका महत्वपूर्ण है, तो कौन सा दो आपका महत्वपूर्ण है? यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लक्ष्य सरलता पूर्वक सुगम और चुनौती विहीन होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य चुनौती विहीन नहीं होता, कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं तो उसको चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। एंड लक्ष्य प्राप्त योग्य होने चाहिए, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्राप्त योग्य, सही बात है, प्राप्त योग्य होना चाहिए, सही है बी। एंड लक्ष्य यथार्थपरक होना चाहिए, ठीक है, बिना अर्थ का आप लक्ष्य क्या करेंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, गलत वे पे जा करके, तो लक्ष्य परक होना चाहिए, यथार्थ परक, तो ये आपका बी भी, सी भी राइट है। लक्ष्य क्षमता से परे होना चाहिए, क्षमता से परे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो गया, बी और सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि में निम्न में से कौन से दो घटकों को महत्वपूर्ण माना जाता है? Which two of the following components are considered important in interval training method? तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में कौन से दो घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो हार्ट रेट जब 180 तक पहुंच जाता है, 180 तक पहुंचते ही रोक दिया जाता है, जैसे ही अधूरी, यहाँ पे अधूरा इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, पूरा रिकवरी आराम नहीं दिया जाता है, तो जैसे ही हार्ट रेट 120 140 पहुंचता है, हार्ट रेट पहुंचता है, तुरंत फिर से शुरू कर दिया जाता है, पूरा थकान नहीं मिटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या दो घटक आपको सबसे महत्वपूर्ण होंगे इसमें, तो इसमें दो घटक महत्वपूर्ण होगा आपका, हृदय गति को मॉनिटर करना एंड अपूर्ण प्रतिप्राप्ति। यानी हृदय गति को हम मॉनिटर करते हैं जब प्रशिक्षण के समय 180 हो जाता है, और जब इनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर 120 से 40 के बीच आता है, तुरंत पुनः हम चालू कर देते हैं ट्रेनिंग, और यह इनकम्प्लीट रिकवरी होता है, यानी इनकम्प्लीट रिकवरी, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकवरी एंड मॉनिटरिंग हार्ट रेट, ये दोनों आपका बी और डी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नए एथलीटों के कंडीशनिंग के लिए निम्न में से कौन सी एक बुनियादी विधि नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेथड फॉर कंडीशनिंग न्यू एथलीट, न्यू एथलीट के लिए कौन सा बुनियादी विधि नहीं है? तो पुनरावृत्ति विधि है, यानी कि इंटरेटिव मेथड, सतत विधि भी है, प्लायोमेट्रिक विधि भी है, बट आपका एक नए खिलाड़ी को तुरंत क्रॉस कंट्री दे देंगे तो वो उस पर गलत असर पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कौन नहीं है बुनियादी विधि, तो क्रॉस कंट्री मेथड यानी प्रति प्रशिक्षण विधि नहीं है। नए एथलीट को कंडीशनिंग के लिए पुनर्प्राप्ति विधि, सतत विधि, प्लायोमेट्रिक विधि एक बुनियादी विधि है, जबकि क्रॉस कंट्री मेथड एक बुनियादी विधि नहीं है। किसी भी खिलाड़ी को अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तथा उसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित खेल शिक्षक से प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जो तकनीक विधियों से परिपूर्ण हो तथा प्रदर्शन के उच्च शिखर प्राप्ति के लिए प्रेरित करता हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि के लिए के निरंतर प्रशिक्षण के पश्चात विश्राम के समय हृदय दर काफी कम हो जाता है। बात सही है, लंबी अवधि का निरंतर प्रशिक्षण के बाद विश्राम कर रहे हैं तो हृदय दर काफी कम हो जाता है, तकनीकी रूप से इस कमी को क्या कहा जाता है? आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग द रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, टेक्निकली दिस डिक्रीज
इज कॉल्ड। तो इस कमी को क्या कहा जाता है टेक्निकल रूप से, तो इसको कहा जाता है प्रशिक्षण ब्रैडीकार्डिया। क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण ब्रैडीकार्डिया, यानी कि 60 बार प्रति मिनट से कम हृदय गति वाली स्थिति को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। लंबे समय तक खेल प्रशिक्षण या भारी शारीरिक श्रम के बाद हृदय गति 60 बार प्रति मिनट से कम हो जाती है, तो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से ब्रैडीकार्डिया का तात्पर्य होता है धीमी गति से हृदय गति। क्या होता है? धीमी गति से हृदय गति। और टैकीकार्डिया क्या होता है दोस्तों? जबकि टैकीकार्डिया की स्थिति में हृदय गति अनियमित रूप से, हृदय अतालता हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसकी गति सामान्य से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में हृदय के ऊपरी और निचले कक्ष में तीव्र गति से चलते हैं। जैसे कि आपको ये देखना है, जब हृदय गति सामान्य से कम होती है तो ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है, और सामान्य से ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। जैसे कि आपका नॉर्मल हृदय गति जो है 72 या 80 तक होता है तो एक मिनट में, तो जो आपका 60 से 80 जो हमका हृदय गति नॉर्मल होता है, तो जब आपका हृदय गति 60 से मिनट पर मिनट 60 बीट प्रति मिनट से अधिक या कम हो जाए, 60 बीट प्रति मिनट से कम हो जाए आपका हृदय गति, तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। और जब हृदय गति 100 बीट प्रति मिनट से अधिक हो जाए तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाती हैं, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, डाउट क्लियर करने में कोशिश करूंगी। एंड डेली बेसिस पे इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।